जीवित पुत्र का व्रत कथा हम लोग श्रवण करेंगे। कथा सुनने के लिए हाथ में अक्षत पुष्प और दक्षिणा रख लें। कथा पूरी होने के बाद आप हाथ में लिया हुआ द्रव्य भगवान के आगे समर्पित कर देना, फिर उसके बाद आपको आरती आदि करना है। तो आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे सो कहिए। सूत जी बोले कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले कि आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा कि हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जिमूतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमूतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा कि माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूं। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहां गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा कि तुम कोई देवता हो, कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभागे, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहां जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम ऋषि ने कहा उन स्त्रियों से कि पक्षीराज गरुड़
राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा कि मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदयातिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जिमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा कि यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही मादा चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए श्मशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थे, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गार्पत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस जिस भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देख ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता यानी मंत्री पत्नी के पास भेज दिया।
किंतु वे आठों सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे आठों लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा कि बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन थी। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया। तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक यह व्रत करें।